उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई और इसमें कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और अभी ये हमें सूचना मिल रही कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम एक वाहन में लगभग 30 लोग 13वीं का भोज खाकर खंदौली के पास गांव सेवला लौट रहे थे। इसी बीच आगरा अलीगढ़ बाईपास पर मितई गांव एक पड़ता है, वहां के पास दूसरे वाहन से इनकी टक्कर हो जाती है। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने IBC 24 को बताया है कि आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अब इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। 12 लोगों की जान गई है और ये सभी 13वीं का भोज खाकर वापस आ रहे थे और जो अभी हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं उनका कहना है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती, यानी दुखद है ये। ये मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, बस और लोडर वाहन के बीच ये टक्कर हुई है और इसमें 12 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 16 लोग घायल हुए हैं इसमें। और एक टाटा मैजिक थी ओवरटेक करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें अभी तक जो लोग यहाँ पे देखे हैं और मौके पे भी जाके वापस आए हैं यहाँ पे अस्पताल में, तो अभी तक 12 डेथ्स हमें सूचित हुई है। इसमें ये एक्सीडेंट मीटी में हुआ, ये यहाँ पे सासनी हाथरस से खंडौली आगरा जा रहे थे, दावत खा के जा रहे थे, छोटा टाटा मैजिक में जो सवार थे, इसमें तत्काल ही घायलों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं जो ड्राइवर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है।